नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बल्लभगढ़ की। नगर निगम इलाके में टूटी सड़कों का पैच वर्क के नाम पर जेई द्वारा रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। आरोपी जेई की सीएम विंडो और नगर निगम कमिश्नर को लिखित शिकायत भी की गई है। आरोपी जेई अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बता रहा है। वहीं निगम के आला अधिकारी इस मामले की जाँच करवाने की बात कह रहे हैं। बल्लभगढ़ में नगर निगम कार्यालय में जेई तैनात है, जिस पे सड़क का पैचवर्क का बिल बनाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। बल्लभगढ़ के नीमका गांव का रहने वाला लक्ष्य नागर सड़क बनाने का ठेकेदार है। लक्ष्य की माने तो उन्होंने नगर निगम से चावला कॉलोनी में सड़कों का पैचवर्क कराने का काम लिया था, जो कि 7 लाख में एक ठेका लिया गया था। काम पूरा करने के बाद भी अभी तक उसको बिल बनाने में दिक्कत आ रही है। बिल बनाने के नाम पर संबंधित जेई ओम प्रकाश बैसला ने उससे शुरू में 20,000 रुपये नगद और 18,000 का मोबाइल फ़ोन ले लिया। उसके बाद फाइनल बिल बनाने के नाम पर जेई ने उससे 30,000 रुपये और मांगे। 30,000 ना देने पर अब वो उसका बिल नहीं बना रहा है। लक्ष्य नागर की माने तो उन्होंने इस मामले की शिकायत नगर निगम कमिश्नर और सीएम विंडो पर लगाई। वही आरोपी अधिकारी ओम प्रकाश बैसला की माने तो ये सही है कि उन्होंने मोबाइल लिया था, लेकिन ये मोबाइल उन्होंने लक्ष्य के नाम पर फाइनेंस करवाया था। उनकी माने तो रिश्वत के नाम पर उन्होंने लक्ष्य नागर से एक पैसा भी नहीं लिया। वहीं नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार यादव की माने तो उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है। मीडिया से ही इसका पता उन्हें चला है। क्या मामला हुआ है ये सेक्टर 62 हाउसिंग बोर्ड में है। ये 24/12/2021 को मैंने अपना काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के दौरान ओम प्रकाश जई मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से ये डिमांड की कि मैं पेवा से सस्पेंडेड हूँ और मुझे 20,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है और मुझे किसी को देने हैं, मुझे 20,000 रुपये की मेरी मदद कर दो, मैं आपको उन पैसों को पीछे दे दूँगा। और उसके 2-3 दिन बाद फिर जई साहब ने मेरे से बोला कि मेरे पे फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, मुझे एक फ़ोन और दिला दो, मैं आपके पैसे पीछे दे दूँगा। उस फ़ोन का बिल ये रहा उसका। और बिल के दौरान उसने, जब मैंने अपना काम 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट होने के दौरान मैंने जई साहब से बोला कि भाई आप मेरी पेमाइश कर दो और मेरा बिल चढ़ा दो। तो जई साहब ने मेरे से 30,000 रुपये की डिमांड और की कि मुझे 30,000 रुपये और चाहिए। मैंने जब जई साहब से ये पूछा कि आपको 30,000 रुपये क्यों चाहिए, तो जई साहब ने बोला कि ये मुझे रिश्वत तौर पर चाहिए और मैं इन 30,000 रुपये में तेरी MB में और तेरी पेमाइश बढ़ा दूंगा, तो मुझे 30,000 रुपये दे दो। मैंने जई साहब से स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि मुझे जई साहब रिश्वत का आरोप लगा है आपके ऊपर और रिश्वत ना मिलने पर आपने ठेकेदार का काम नहीं किया, क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, जो ये ठेकेदार ने मेरे ऊपर रिश्वत का आरोप लगाया है झूठा और निराधार है, क्योंकि इस ठेकेदार को जो पैचवर्क लगाने का जो ठेका दिया गया था वो इसने काम ही नहीं किया। इसने जो काम किया है, जो पैच जो इसने लगाए हैं, वो पैच टूट गए हैं और टूटे हुए पैचों की कोई भी पेमेंट ना होती है और ना ही उसकी कोई पेमेंट होती है। तो आरोप ये भी है उसका कि भाई आपने उससे मोबाइल भी ले लिया, 20,000 रुपये भी ले लिए ये, और उसके बाद 30,000 रुपये और मांगे। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सब झूठी और निराधार खबरें हैं। जो वो मोबाइल की बात कर रहा है, मोबाइल के पैसे जो दिए गए थे वो मेरे ही द्वारा दिए गए थे। हाँ, इतना उन्होंने मेरे साथ में धोखा कर दिया। अब वो मोबाइल उन्होंने अपने नाम से खरीद लिया। उन्होंने ये कहा कि आप जैसा पैसे हमें दे दो और ये पैसे हम यूज़ कर लेंगे और आपको हम मोबाइल दे देंगे। उन्होंने मेरे को मोबाइल दे दिया अपने नाम से, और वो भी लोन पे लेकर के, वो भी कैश नहीं लिया उन्होंने, लोन पे लेकर के उन्होंने मोबाइल दे दिया। और ये मेरे से उन्होंने धोखा किया था। जब मेरे को बाद में पता चला कि ये फ़ोन तो लोन पे लिया गया है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बिल नहीं दिया था, जब उन्होंने मेरे को पता चला मेरे को, तो मैं जॉइंट साहब आरोप लगे हैं नगर निगम के बल्लभगढ़ में एक जेई पे ऊपर की रिश्वत मांग रहा है, मोबाइल भी ले लिया, पैसे भी ले लिए और फिर दोबारा रिश्वत मांग रहा है बिल बनाने के नाम पर, क्या जानकारी है अपने को? पत्रकार महोदय, अभी आपने ही बताया है मेरे को इस इंसिडेंट के बारे में कि कोई लक्ष्य करके कोई ठेकेदार है, उसने इस तरह के आरोप हमारे जेई जो है ओम प्रकाश उसके ऊपर लगाए हैं। तो इसकी कोई लिखित मौखिक सूचना आपके द्वारा मिली है? लिखित सूचना मुझे अभी तक कहीं से नहीं मिली। कोई ऐसी जो होगी, जानकारी होगी, तो बिल्कुल इसके तथ्यों का पड़ताल करेंगे और आप तक जो भी चीज़ है उसका सही से निवारण पहुँचे आपके तक।
चले बढ़ेंगे अभी खबर की ओर। बल्लभगढ़ के पंजाबी वाड़ा नाली मुक्त होगा। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने करीब 87 लाख की लागत से सीवर और पानी के कार्य की शुरुआत की और स्थानीय लोगों के हाथों से नारियल तोड़वा कर इस कार्य का मुहूर्त भी किया। बारिश के मौसम में पहले सीवर लाइन डालने के कार्य को पूरा किया जाएगा। पंजाबी वाड़े के लोगों में करीब 50 साल पुरानी सीवर लाइन को बदले जाने पर खुशी की लहर देखने को मिली। इस पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का उन्होंने आभार भी जताया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि शहर में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। यमुना से मीठा रैनीवाल का पानी बल्लभगढ़ में सप्लाई किया जा रहा है। जरूरत पड़ेगी तो और भी पानी को बढ़ाया जाएगा, पानी की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ पंजाबी वाड़े के बाद ब्राह्मणवाड़े को भी नाली मुक्त किया जाएगा। पंजाबी वाड़े बहुत लंबे समय से डिमांड थी और ये 55 साल से हालत है कि सीवर पानी बहुत बुरी हालत थी। आज 87 लाख का उद्घाटन का सीवर का और पानी की लाइन और पूरे वाड़े में गिरी और जल्दी से जल्दी बारिश से पहले। सर आपने आज एक और घोषणा की पंजाबी मुक्त नाली मुक्त पंजाबी वाड़ा, क्या पूरा शहर नाली मुक्त होने जा रहा है? मैं सारे धीरे धीरे जहां चल रहा है उसको नाली मुक्त करने जा रहे हैं। बल्लड़ विधानसभा को जहां बड़े बड़े सीवर डिस्पोजल बन गए वहां पर नाली मुक्त है। हरी बिहार देखिए आदत लगे इस बार हम नाली मुक्त पूरे शहर को करेंगे और पुराना वाड़ा है इसको नाली मुक्त करेंगे। ये लोगों का दिल है, लोगों का हार्ट है और यहाँ के पूर्व जो विधायक रहे साल तक वो काम नहीं कर रहे। लोग रोते रहे, लोग टकराते रहे, लोग अपनी बात कहते रहे, किसी ध्यान नहीं दिया। और 45 साल के इतिहास में 55 साल भाई 55 साल बता रहे हैं उसके इतिहास में सीवर भी पानी भी सड़क भी सबको देंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के जो उनका नारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति व्यक्ति खड़ा है जिसकी सुनवाई उसके अंतिम व्यक्ति तक सीवर पानी सड़क अंतिम व्यक्ति आवाज को पहुंचाने का। तिलवरता की खबर की ओर। फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव के तहत बने टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई जिसकी सूचना सूरजकुंड थाना पुलिस को दी गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरे आसमान में काले धुएं के गुब्बार फैल गए। दमकल की आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां आग बुझाने की कड़ी मशक्कत में लगी रही और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सुखद बात यह रही कि इसमें किसी प्रकार की कोई जान की हानि नहीं हुई। इस आग में लाखों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग कैसे लगी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मौके पर दलबल के साथ पहुंचे सूरजकुंड थाना क्षेत्र के SHO ने बताया कि उन्हें कैंट के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी जिस पर उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचना देकर मौके पर लोगों को हटाया और आसपास बंधे हुए पशुओं को भी हटाने का काम किया। उन्होंने बताया कि आधा दर्जन से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश करने में लगी रही और सुख की बात यह रही कि इसमें किसी भी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई है। गांव के साथ में आनंदवन के पीछे की घटना है और ये 10:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी भाई ऐसे ऐसे एक वहाँ गोदाम है टेंट हाउस का जिसके अंदर सामान है उसमें आग लगी हुई है। तो मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा हूँ और ERV भी आई है और हमने यहाँ आकर के जो लोग थे उनको एक साइड में किया है, जो पशुएँ बंध रहे थे साथ में उनको भी हटाया है और भी जो सामान था उनको निकलवाया है और सामान में आग लग गई है लेकिन जान का कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं। क्या माना जाए आग कब तक बुझ जाएगी SHO साहब? देखो दमकल जो गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की सभी गाड़ियाँ लगी हुई हैं 5-6 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और जल्दी ही आग को काबू पा लिया जाएगा। बात करेंगे अब डबुआ में पार्किंग ठेकेदार की गुंडागर्दी के बारे में। फरीदाबाद के डबुआ मंडी में पार्किंग ठेकेदार की गुंडागर्दी देखने को मिली। पार्किंग टिकट न लेने का आरोप लगाकर माँ बेटे को जमकर पीटा, साथ ही कपड़े भी फाड़ दिए। लोगों ने पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही। फरीदाबाद की डबुआ मंडी में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक शख्स मंडी के अंदर घुस रहा था। पीड़ित युवक का आरोप है कि पार्किंग की टिकट उसकी मां के पास थी और वो मंडी में अंदर जा रहा था, तभी पार्किंग चालक ने उसे टिकट न लेने का आरोप लगाया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यहां पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है और आए दिन लोगों के साथ बदतमीजी और मारपीट की जाती है। लोगों ने मांग की है कि इस पार्किंग को बंद किया जाए, मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस
मौके पर पहुंच। पुलिस का कहना है कि हमें सूचना मिली थी, शिकायत मिली है और अब वहां पार्किंग में मौजूद युवकों ने मारपीट की है। इस मामले में FIR दर्ज की गई है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। क्या हुआ था यहाँ पे भाई साहब? भाई साहब लोग थे यहाँ, हम तो अंदर बैठते हैं, यहाँ मसाखोर की भी 30-30 रुपए का पर्ची काटते हैं, पलेदार के 20-20 रुपए की पर्ची काटते हैं, यहाँ इतने गुंडा राज हो रहे हैं। गुंडा राज 20 रुपए के लिए मेरे को भी रेप्टा मार दिया था, मेरे को भी रेप्टा मार दिया था। कौन थे वो? कौन थे वहाँ पे पीछे? तो कंप्लेंट करी थी आपने पहले पुलिस में? करो वो बिना देखे भी चले गए पुलिस वाले भी, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई। क्या नाम था, क्या बात हुई? बोला मैंने पुलिस वाले यहाँ पे खड़े थे, अल्टो खड़ी थी उनके यहाँ पे। नाम क्या और क्या बात हुई? वो निकल गया। बंद करवाओ। नाम क्या? यहाँ पे खड़ा था, नाम नहीं पढ़ा मैंने, वो यहाँ पे अल्टो खड़ी थी, वो भी बिना देखे चला गया। किस बात पर लड़ाई हुई? लड़ाई मेरे पर्ची नहीं, पर्ची मेरे पास नहीं थी, मम्मी के पास पर्ची थी, इस चक्कर में वो पर्ची के चक्कर में वो झूठे थप्पड़ मारा, मम्मी आई तो मम्मी को भी कपड़े पड़े मारे, मेरे को भी बहुत मारा है, और 7-8 लड़के थे, 7-8 लड़कों ने मारा मेरे को। मेरे पास अभी कॉल आई थी 112 आर्मी से कि भाई यहाँ पे झगड़ा हो गया है, तो मैंने भी पता किया है, तो वहाँ पे मैंने अपने SDO रेडियो को भेजा था, रेडियो पुलिस अभी आई रही है, तो वहाँ पे पता चला है कि भाई कोई पर्ची काटते हैं मंडी के अंदर एंट्री की, तो उसके ऊपर किसी पहले उसके लड़के से झगड़ा होया है, किसी लड़के का जो वहाँ पर्ची काटते हैं, बाद में उसकी मदर मदर ने उसको बचाने के लिए तो उसके भी साथ में हाथापाई कर दी। जांच कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर देंगे, जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी कानून के तहत जल्दी गिरफ्तार। तो सर ये जितने भी जिन्होंने मारा है औरत के भी ऊपर हाथ उठाया है, तो ये कौन है सर, अभी तक पता चला है? ये कोई सतवी ठेके, कोई ठेकेदार है वहाँ, उसका बंदा है जो पर्ची वर्ची वहाँ काटते हैं, कर रहे हैं जांच कर रहे हैं, जैसे भी सही तथ्य होंगे उसी हिसाब से लेडीज के मेडिकल करा के और उसके मुकदमा। चलिए खबरों में बात करेंगे अब मुंडका अग्निकांड की। मुंडका अग्निकांड से हुई 27 लोगों की मौत से सतर्क होकर फायर विभाग की NOC ना होने पर विभाग की ओर से कार्यवाही की जाएगी और सीलिंग की इस दौरान कार्यवाही की जाएगी। दिल्ली मुंडका अग्निकांड में हुए 27 लोगों की मौत को लेकर पलवल जिला विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसको लेकर जिला फायर अधिकारी लेखराज गौतम ने बताया है कि जिले में जिस भी संस्थान के द्वारा, चाहे वो इंडस्ट्री हो या अन्य कोई संस्थान, फायर विभाग की NOC नहीं ली गई और अब वहां पर पूरी तरह से विभाग की ओर से जांच की जाएगी और NOC ना होने पर उस संस्थान को पूरी तरह से सील भी किया जाएगा। उन्होंने बताया हालांकि विभाग में कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन सभी पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं नए फायर विभाग के लिए जगह सुनिश्चित की गई है, जहां पूरी तरह से नया फायर विभाग भी बनाया जाएगा। इसके अलावा जिले में विभाग की ओर से अभियान में तेजी लाई जाएगी और लोगों को अचानक लगी आग में किस तरह से अपना बचाव करना है और उसके साथ ही स्थानीय लोगों को विभाग की ओर से अब जागरूक भी किया जाएगा। वहीं फायर विभाग की ओर से जिनके पास फायर NOC नहीं है उनको नोटिस भी जारी किया जाएगा, उसके बावजूद भी अगर कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाती तो उनके खिलाफ सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी। सर मुंडका अग्निकांड को लेकर क्या किस तरह की तैयारियां फायर ब्रिगेड की तरफ से हैं पलवल में? हमने सभी कर्मचारियों के छुट्टी और रेस्ट रद्द कर दिए गए हैं, 12-12 घंटे भी ड्यूटी हम ले रहे हैं, बाकी सभी कंपनी जो है तापमान बहुत ज़्यादा है, सभी कंपनी वालों को भी हमने निर्देश दिए हैं कि वो अपनी इंटरनल सुरक्षा भी रखें, BD सीक्रेट का ध्यान रखें और कोई भी जनहानि ना होने दें, आग पर विशेष ध्यान रखें क्योंकि गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा है, छोटी सी चिंगारी भी आग भयंकर आग का रूप धारण कर सकती है। सर पलवल फायर विभाग में आगजनी के समय में कितनी गाड़ियां तैनात हैं और कितने कर्मचारी और कितने तरह के केमिकल हैं जो ऐसी घटना के समय बिल्कुल तैयार न मिलते हैं? हमारे फायर डिपार्टमेंट में पलवल में जो हमारे पास में 7 गाड़ियां हैं जो वर्किंग कंडीशन में हैं और 7 की 7 गाड़ी जो है वो तैनात है। हमारे पलवल फायर स्टेशन पर 7 गाड़ी हैं और 35 आदमियों का हमारे पास में स्टाफ है और बाकी 2 गाड़ी हमारी होटल में, 1 गाड़ी हमारी टीम में। सर पलवल फायर विभाग में बताया जा रहा है कि जो फायर कर्मचारी हैं उनकी काफ़ी संख्या में कटौती है, उनको अब तक पूर्ति नहीं की है, तो विभाग किस तरह से इनकी संख्या की पूर्ति करेगा? विभाग में हमें ना 25 आदमियों की मंजूरी मिल चुकी थी, अब उस मंजूरी आने के उपरांत ही नगर जो अपना रोजगार नगर कौशल विकास है
उसके जरिए भर्ती करनी है, अब उनको भेजेंगे अपने भाई। एक बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी है, पिछले काफ़ी समय से मांग भी उठी आ रही है, पलवल के लोगों की भी मांग है, विभाग की भी मांग है कि बिल्डिंग को बदला जाए, और उसकी जो है वो पुरानी चली आ रही है, इसमें पूरी व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो क्या कोई नई बिल्डिंग का भी प्रावधान रखा गया है? हाँ, मंगला जी का ये असम्बली क्वेश्चन भी है, अभी हमने रिपोर्ट रिसेंटली भेजी है कि आलापुर में जो ना कमेटी में रेजुलेशन पास हो चुका, उसका शायद वो एस्टिमेट तैयार करके अब सरकार को भेज रहे हैं। के गुरुग्राम में नगर पालिका कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम बनाने को लेकर विरोध जताते हुए उसे भंग करने की मांग की गई। यही नहीं, पुराने कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन को बहाल करने जैसी अन्य मांगों को लेकर भी ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। साथ ही संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए ये ऐलान कर दिया कि 23 तारीख और 24 तारीख को पूर्ण रूप से हड़ताल की जाएगी। कर्मचारियों ने मंत्री को घेरने को लेकर रणनीति भी बनाई, जिससे कि अपनी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। हमारी मांग है कि कौशल रोजगार कंपनी के खिलाफ हमारा धरना चला हुआ है, कि कौशल रोजगार कंपनी जो ये आई है ये हमारे कर्मचारी के लिए, हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं तो हमारे बच्चों का लालन पालन होएगा, और ये कंपनी हमें चाहिए नहीं। हमें चाहिए थी ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करना, तो ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म ही करना है, ना के कर और कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, और कौशल रोजगार को बिल्कुल हम खिलाफ है, इसको हम चाहते नहीं कि ये आए, और जब तक ये कौशल रोजगार कंपनी ख़त्म नहीं होगी हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा और चलता रहा है। और हम ये अपनी वो करते हैं कि हम यादरी पे बैठ के, चाहे हमें कितने भी दिन बैठना पड़ेगा, एक महीना लग जाए, दो महीना, हमारी सैलरी कटेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कटो, लेकिन हम अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़े लिख के अच्छे नागरिक बने, अच्छी जीवन जिए। हम ये नहीं चाहते हमारे कौशल रोजगार कंपनी में जाने के बाद हमारे बच्चे नहीं तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते, और नहीं हमारे बच्चे का कोई उज्जवल भविष्य बनेगा। तो इसके खिलाफ हमने लड़ना होगा और हम लड़ेंगे, और हमारा समाज जो इतना कमज़ोर नहीं है, हमारे कर्मचारी इतने कमज़ोर नहीं है, कि जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया है। 2014 में एक मुश्त ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो गई थी, इनकी सरकार बढ़ते इन्होंने एकदम ठेकेदारी को फिर जन्म दिया। हम ये कह रहे हैं कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करो, और जो कौशल निगम रोजगार इन्होंने बनाया है और ये कर्मचारी वर्ग पर जो थोपा है, इसको तुरंत प्रभाव से भंग करें। और हमारा, अगर सरकार इसको भंग नहीं करती है तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा, और हम इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेता रहे हैं। आज हमारा तीसरा दिन है, आज हम विधायक सुधीर सिंगला का घेराव भी करने जा रहे हैं, और हम उनको भी मांग पत्र देंगे अपना कि भाई सरकार तक हमारी बात पहुँचे। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे ऐसे दबे कुचले कर्मचारी वर्ग जो तृतीय और फोर्थ क्लास के कर्मचारी, इनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, और साथ के साथ आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से आग्रह भी करता हूँ कि जो हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ का आंदोलन चल रहा है, आज हमने दो दिन पहले हमने लगातार 11 और 12 को शहर के मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन किया, आज हम अपने मंत्रियों के यहाँ जाकर के ज्ञापन सौंप रहे हैं, और आने वाली 17 और 18 तारीख को दो दिन की कर्मिक भूख हड़ताल 12-12 घंटे करने जा रहे हैं। हम हरियाणा सरकार से ये आग्रह करते हैं कि समय रहते हुए हमारी मांगों की तरफ, हमारी जो मानी गई मांगे हैं, जो 24 अप्रैल और 17 अगस्त को जो हमारे शीर्ष नेताओं के बीच समझौता हुआ, उस समझौते को तुरंत प्रभाव से लागू करें, और जो ये तुगलकी फरमान जारी करते हुए हरियाणा सरकार ने ये कौशल रोजगार निगम को लागू किया है, इसके लिए हम मांग करते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से रद्द करें, और अन्यथा नगर पालिका कर्मचारी संघ आने वाले 23 मई और 24 मई को दो दिवसीय टूल डाउन पेंडल हड़ताल करेगी। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।